नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे खेत में अभी मैं खड़ा हूँ और एक नया इंसेक्ट पोमोग्रेनेट को डैमेज कर रहा है और बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं है और बहुत सारे लोग सिर्फ फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बग है और ये बग उसका जो आगे वाला प्रोबोसिस होता है ये फलों के अंदर एंट्री कर देता है और वो जो जख्म होती है वहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन मिलेगा। इसका नाम है ग्रीन स्टिंक बग। ये इंसेक्ट बहुत सारे लोगों ने अभी तक देखा नहीं है और इसका जो निम्फल स्टेज होता है, बच्चे होते हैं, ये अपना जो एफिड्स होता है उसको खाने वाला जो लेडीबर्ड बीटल होता है उसके जैसा दिखता है। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि ये तो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ये हमारा मित्र कीटक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपना शत्रु कीटक है और ये आता है निम्फल स्टेज में, दिखता है लेडीबर्ड बीटल जैसा और जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें वो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वहीं पे शील्ड जैसा, ढाल जो होती है ना, शील्ड जैसा एक स्ट्रक्चर वहीं पे मिलता है, इसलिए इसको ग्रीन शील्ड बग भी बोलते हैं। ग्रीन स्टिंग बग या ग्रीन शील्ड बग, ऐसे आप इसको पहचान सकते हो। नाम मैंने क्यों बोले हैं, गूगल करिए ये इंसेक्ट आपके यहाँ पे है क्या। ये आपको कहाँ पे दिखेगा, खेत में बहुत लेट दिखेगा, लेकिन रात के टाइम आपके खेत में जहाँ पे भी लाइट लगा हुआ है और वहीं पे अगर दीवार है, वॉल है वहीं पे, तो दीवार के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर के एडल्ट बैठे हुए मिलेंगे, पता चल जाता है कि अभी ये इंसेक्ट अपने खेत में आ चुका है करके। इसके जो अंडे होते हैं, ये अंडे जो पत्ता होता है पत्ते के बैक साइड पे होता है और बिल्कुल बढ़िया वो जो अभी फोटो में आपको दिख रहे ना, उस टाइप से वो उसका अंडा सिस्टमेटिकली ले करता है, वहीं पे दे देता है और फिर उसमें से आपको जो स्पाइडर्स होती है उसके जैसे इंसेक्ट, जो फोटो में अभी आप देख रहे हो ऐसे इंसेक्ट ये बाहर आते हैं और ये अंदर जाके फलों के ऊपर बैठ के अंदर उसको पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं उसको वो अंदर डाल देता है और जूस सक कर लेता है, तो वो डैमेज कर देता है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन आता है। ऑलरेडी जो अपना 50 आवर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने डिटेल में इसके ऊपर बात किया है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पहचानना है, लेकिन सब लोगों ने तो वो कोर्स नहीं किया जो ऑलरेडी एग्री अकेडमी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो मेरे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, जाके सब्सक्राइब करिए और यह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके तरफ रख दीजिए और ऐसे ही उसको कंट्रोल आपको करना है। तो ये इंसेक्ट अभी बहुत ही डेंजरस है, अभी के टाइम आता है, सितंबर अक्टूबर तक ये रहेगा और अंबी बाहर के जितने भी प्लॉट है उसमें भी डैमेज करेगा, मुर्ग बाहर के जितने भी प्लॉट है उसमें भी डैमेज करेगा, हस्त बाहर के प्लॉट में कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ पत्ते हैं, फल वहीं पे नहीं है और ये पत्तों को डैमेज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फलों को डैमेज करता है। इतना बढ़िया अगर आपका सेटिंग है, इतना बढ़िया अगर आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, तो वहीं पे जाके वो उसको डैमेज करेगा और फंगल इन्फेक्शन आपको वहीं पे दिखेगा। तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इसको कंट्रोल आपको करना है सिंथेटिक पायराथ्रॉइड हर हफ्ते लेके सुबह सुबह स्प्रे करिए सिंथेटिक पायराथ्रॉइड का। आप उसमें डेल्टामिथ्रिन ले सकते हो, लैम्डा साइलोथ्रिन ले सकते हो, साइपरमिथ्रिन ले सकते हो, मियोथ्रिन ले सकते हो, इस प्रकार के जो भी सिंथेटिक पायराथ्रॉइड है उसका आप इस्तेमाल करिए कोई भी फंजीसाइड के साथ में, ताकि ये इंसेक्ट आप अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। बायोलॉजिकल्स में इसके ऊपर मुझे अभी तक पता नहीं है कि वर्टिसिलियम ब्यूवेरिया मेट्राइजम उसके ऊपर काम करता है या नहीं करता, इसलिए मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो भी आपके सिंथेटिक पायराथ्रॉइड ये अच्छे काम करते हैं। और नीम और करण जो कॉम्बो 300 करके प्रोडक्ट आता है विजय एग्रो इंडस्ट्रीज का, उसमें 2.5 ml नीम और 2.5 ml करंज एक साथ में डाल के वो भी आप सिंथेटिक पायराथ्रॉइड के साथ में स्प्रे करोगे तो ये बिल्कुल कड़वा कर देगा और वो इंसेक्ट आपके यहाँ पे एक तो मरेगा नहीं तो भाग जाएगा, मतलब उसको कंट्रोल भी करेंगे या रिपेलेंट एक्टिविटी से भी उसको आप मैनेज कर सकते हो आपके प्लॉट को। तो दोस्तों, ये इंसेक्ट अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए, आपके खेत में जाके देख लीजिए, फोटोग्राफ्स के साथ में मैंने डिटेल में आपको एजुकेट किया है, अभी आपका काम है देख
लीजिए, अगर ये इंसेक्ट है तो उसको अच्छी तरह से जल्दी कंट्रोल कर लीजिए, अदरवाइज ये डैमेज करके जाएगा। फंजीसाइड के स्प्रे बढ़ेंगे लेकिन कंट्रोल नहीं होगा, वो फल आपको फेंकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपका नंबर डाल के कमेंट करिए ताकि मैं आपको वीडियो दे सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये शेयर करिए, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।